क्वेश्चन नंबर सिक्स जी ये इंटरमीडिएट के लिए अप्लीकेबल है ये क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द बुक्स ऑफ मेसस प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन अमाउंट टू रुपीज़ वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू इनके फोटीन फिफ्टीन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब यह फ़ीफो मैथड फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड वैल्यू आ रही है फ़ीफो के हिसाब से अब ये कंपनी चाहती है कि मैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो जो पॉलिसी है ना अकाउंटिंग पॉलिसी उसको चेंज कर देती हूँ फ़ीफो से वेटेड एवरेज मेथड में और जिससे क्या होगा वेटेड एवरेज मेथड से जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी ना एज़ ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन को वो हो जाएगी वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड ठीक है इतनी हो जाएगी पहले फ़ीफो के हिसाब से मेरी इन्वेंट्री दिख रही थी वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड अगर मैं अभी वेटेड एवरेज लगा देता हूँ तो मेरी इन्वेंट्री हो जाएगी वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड तो वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी और मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कितनी है वो एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन को जो है वो वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड है और आप जानते हैं कि क्लोजिंग हम कैसे वैल्यू करते हैं अपनी इन्वेंट्री को आ, वो कॉस्ट और एनआरवी वी विच एवर इज़ लोअर ठीक है लोअर पे वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एन पे सो यहाँ पे देखो आ, आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सो यहाँ पे कह रहा है डिस्कस डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज़ पर एस वन सो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताना है क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज के हिसाब से क्योंकि इन्होंने वेटेड एवरेज से ये कह रहे हैं कि हम फीफो से वेटेड एवरेज लगाएंगे ठीक है तो आप उस आ, आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चार्ट अकाउंटेंट होने की वजह से आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए क्या कहेंगे ये कह रहा है कि डिस्कस डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर एस वन सो यहाँ पे एज पर पैरा ट्वेंटी टू ऑफ एस वन सो क्या कहता है हमारा ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एनी चेंज क्या कहता है देखो एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट देखो छोटे मोटे इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा है ये मटेरियल इफेक्ट्स की इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स की बात कर रहा है विच शुड बी शुड बी डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो और उसका कोई मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है तो आपको वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना होगा डिस्क्लोज करना होगा डिस्क्लोज करेंगे आप ठीक है द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाई सेंज शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल और जहाँ तक आपको पता लग जा रहा है कि आप, आपके अमाउंट में अमाउंट कितने का चेंज हो रहा है अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं जैसे हम पहले फीफो चेंज कर रहे थे तो हमारा अमाउंट कितना था वन लैख सिक्सटी थ्री अब हम कितना चेंज कर रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं अब वेटेड एवरेज लगा दे रहे हैं तो हम, हम, हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है आ, कितनी वन लैख फोर्टी सेवन सो ये अमाउंट असर्टेनेबल है यहाँ पे आप डिफरेंस बता सकते हैं दोनों के बीच का सो so, अगर आप अमाउंट असर्टेनेबल है तो आप अमाउंट भी बताएंगे ये कहता है हमारा एस वन दस वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल अगर वो अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है अगर वो अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो होली और इन पार्ट अगर पूरा असटनेबल नहीं है या पार्ट में नहीं है द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड तो आपको फैक्ट बताना होगा कि आपका अमाउंट असर्टेनेबल क्यों नहीं है ठीक है दस प्रशांत लिमिटेड दस प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्कलोज द चेंज इन द वैल्युशन मेथड ऑफ द इन्वेंट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो इसकी वजह से क्या करना होगा जो प्रशांत लिमिटेड है इनको डिस्क्लोज करेंगे ये की जो जो मतलब इफेक्ट है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे ये जो भी इफेक्ट है डिफरेंस जो भी है द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर और आप अकाउंटिंग पॉलिसी में जो आपने चेंज किया है उसको आप इसका, इस तरीके से दिखाएंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इस तरीके से आप दिखाएंगे क्या लिखेंगे आप द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंडल नेट रियलाइजेबल वैल्यू ठीक है तो कॉस्ट और एन आर वी ठीक है विच एवर इज लोअर पे हम वैल्यू करते हैं ठीक है तो यहाँ पे कंपनी uh, को बताना होगा कि द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी सिंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द इन्वेंट्री इन द करेंट ईयर वॉज ग्रेटर देन द रिस्पेक्टिव कॉस्ट सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड है तो द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट इसलिए हम क्या कर रहे हैं हम कॉस्ट पे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआर वी और कॉस्ट वेच एवेज लोअर पे वैल्यू करते हैं सो तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं हम कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं इन द प्रेजेंट ईयर फोर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन फिफ्टीन का ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा ये ठीक है तो द कंपनी हैज चेंज टू तो वेटेड एवरेज मेथड, सो कंपनी ने क्या किया वेटेड एवरेज मेथड पे कंपनी शिफ्ट हो गई है विच बेटर रिफ्लेक्ट्स द एजोम्पन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री और इससे क्या हो रहा है कि बेटर इनको लग रहा है कि मतलब इनका ये मानते हैं कि इससे बेटर प्रेजेंटेशन हो रही है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फोर एसर्टनिटी इन्वेंट्री कॉस्ट फ्रॉम द अर्यर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फीफो फॉर द पर्पज द चेंज इन द पॉलिसी हैज़ रिड्यूस करेंट प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाई सिक्सटीन थाउजेंड तो ये आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से कम हो गई सिक्सटीन थाउजेंड से कम हो गई इन दोनों का डिफरेंस आप देखो सिक्सटीन थाउजेंड ही आ रहा है वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड माइनस वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड ठीक है सिक्सटीन थाउजेंड का डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस आपने बता दिया और uh, हम वैल्यू कैसे करते हैं इवेंट्री इन्वेंट्री वैल्यूशन कैसे करते हैं कॉस्ट और एन आर वी विच र इज़ लोअर और जो एन आर वी है हमारी वन लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड है इसलिए हमने किस पे डिस्क्लोज हम किस पे डिस्लोज़ uh, करेंगे हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे इसे हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो कॉस्ट और एन आर वी विच र इज़ लोअर सो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड का आ रहा है आपके अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने की वजह से तो इस तरीके से आप जैसे ये इन्वर्टर कॉमा में है इस तरीके से आप क्या करेंगे डिस्क्लोज करेंगे